हाय एवरीवन, आई एम प्रोफेसर जितेश। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई आईडल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग क्या होता है, इसमें कौन से स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके एग्ज़ाम कौन से मोड पर होते हैं, साल में कितने एग्ज़ाम होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप सोच रहे हो मुंबई यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस से अपने स्टडीज़ कंप्लीट किए जाए, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम क्या बात करेंगे, आईडल में कौन से स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना चाहिए। अगर आप पहली बार आईडल में एडमिशन ले रहे हो किसी के बोलने पे, या तो आपके पास में टाइम नहीं है और आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ओके, सबसे पहली बात हम लोग इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। आईडल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग। डिस्टेंस का मतलब होता है आप दूर रह के भी अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, आपको क्या करना होगा, सिर्फ एडमिशन लेना होता है। क्या एलिजिबिलिटी होती है, परसेंटेज कितने चाहिए आपको ट्वेल्थ में, या अगर आप ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हो, परसेंटेज यहाँ पे मैटर नहीं करता है। कितना भी परसेंटेज आया होगा आपका, यहाँ पे एडमिशन 100% हो जाता है, ठीक है। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करने पड़ेंगे, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ अपलोड नहीं करना, मतलब वहाँ सबमिट नहीं करना रहेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कलीना ओके संतर न्यूज में। ये पहला डाउट क्लियर हो गया, अपने कोई भी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ सबमिट नहीं करना है, ये एक अच्छी बात है। आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना, ये भी अच्छी बात है। इसके पहले 2 साल पहले आईडल में एनुअली पैटर्न एग्जाम्स होते थे, साल में एक बार एग्जाम, लेकिन एज पर द UGC न्यू गाइडलाइंस इसके हिसाब से अब आईडल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में भी सेमिस्टर पैटर्न स्टार्ट हो गए, चॉइस बेस क्रेडिट, मतलब सेमिस्टर वन सेमिस्टर टू आपको एक साल में 2 एग्जाम देने लगे, फिर सेकेंड ईयर में 3rd सेमिस्टर और 4th, देन थर्ड ईयर में 5th एंड 6th। ये प्रोसेस हो गया सेम जैसे कॉलेज में था वैसे सेम हो गया। अब ये बात करते हैं हम कौन से स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। पहली बात, अगर आप एक जॉब करते हो, आपके पास में टाइम नहीं हो पा रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, या तो आपका इंटरेस्ट जॉब पे है लेकिन पढ़ाई नहीं करना है, हैज आपको बस ग्रेजुएशन की डिग्री लेना है, आपके पास में टाइम नहीं कॉलेज जाके लेकिन आपको डिग्री चाहिए, यू कैन गो फॉर द आईडल। आईडल में आपको एडमिशन लेना है, वहाँ से आपको ऑफलाइन ग्रुप प्रोवाइड होती है, जब आप फॉर्म फिलअप करते हो जो फीस होती है उसी में बुक का इंक्लूड होता है प्राइस, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहता, ये एक अच्छी बात है। फीस में ही आपकी बुक भी इंक्लूड होती है, जो आप फॉर्म फिल करोगे वही फॉर्म आपको वहाँ लेके जाना है, शो करना है, एक रिसीप वो अपने पास में रखेगी और आपको बुक दे देगी। ये डाउट्स क्लियर हो गया, ये बहुत अच्छी बात है आईडल की तरफ से। और आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर लेक्चर्स के ऊपर भी वीडियोस लेके आएंगे। ओके, 2 से 3 चीज़ें शायद से क्लियर होगी, एलिजिबिलिटी कुछ नहीं होती है, इतने साल का भी गैप होगा 12th के बाद में 3, 4, 5, 6 आपकी कोई भी एज हो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, ये एज क्राइटेरिया भी नहीं है, परसेंटेज क्राइटेरिया भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर इसके लेक्चर्स होते कि नहीं। आज से 2 साल पहले आपको संडे मतलब वीकली लेक्चर्स होते थे, आपको सेलेक्ट करना पड़ता था कौन सी कॉलेज में आपको लेक्चर अटेंड करना है वीकली। ओके, संडे मोस्टली लेक्चर्स होते थे 6-6, 7-7 घंटे के जो भी समथिंग। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाके लेक्चर अटेंड करते थे संडे को, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं भी करते थे जब एनुअली था तो होता था। अब ये सेमिस्टर पैटर्न में कैसा क्या होगा वो देखा जाएगा। आप इसका PDF बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी आईडल को लेके। अगर अभी भी आपके माइंड में कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है कि सर ऐसा है वैसा है, एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने कॉलेज से अपना कंप्लीट किया और आप चाहते हो आगे की जो स्टडीज है आप आइडल से करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। इसका मेरा एक सेपरेट वीडियो बना है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे आप अपने ट्रांसफ़र कर सकते हो कॉलेज से आइडल में। अगर आप जॉब करते हो, जॉब स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेगा। सेकेंड, जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं लाइक अभी तो कैसा ड्यूअल डिग्री भी मिलना शुरू हो गई है, आप एडमिशन ले सकते हो। आप कुछ अदर कोर्सेज कर रहे हो लेकिन आप एक डिग्री और चाहते हो, ठीक है, CA कर रहे हो, CS कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो प्रोफेशनल डिग्री, और आप चाहते हो कि आपका साइड टू साइड ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, तो आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो।
देखिए आपको डॉक्यूमेंट तो सबमिट करना है, नहीं सारी चीजें ऑनलाइन होती है। ओके तो ये था जिसको माइंड में कंफ्यूजन है, मुझे लगता है दूर हो गया रहेगा वीडियो को पूरा देखने के बाद में। हाफ वीडियो देखोगे तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको और भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल काउंसिलिंग चाहिए रिलेटेड टू द आइडल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, तो आप क्या कर सकते हो, दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो, हमारी टीम आपको प्रॉपर काउंसिलिंग करेगी रिलेटेड टू द आइडल में क्या और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो। अदरवाइज इतनी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी होती है अगर आपको आइडल में इन्फॉर्म लेना है एडमिशन। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हो। ये कोई आइडल का नंबर नहीं है, ठीक है, ये हम लोग प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उनके नंबर है, हमको पूरी नॉलेज होती है तो हम आपको उनके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। लास्ट 3 to 4 ईयर से हम आइडल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है इनके साथ में अच्छा बॉन्डिंग हो चुका है। अब जो हम लोग डेट बताते हैं आने वाले टाइम के एग्जाम्स की प्रॉपरली मैच हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स कन्फ्यूजन जो भी था सब क्लियर हुआ रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा थोड़ा भी या पूरा अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर आप सच में एडमिशन लेने वाले हो या लोगे या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने टाइम पे जब भी कुछ वीडियोस आएगी आइडल के लिए तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। ओके तो एक चीज़ और करना, जितना हो सके जॉब स्टूडेंट जो जॉब करते उनके साथ में शेयर करो, जॉब करते करते अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आने वाले टाइम में नई नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो, बाय बाय।